नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बाली सुग्रीव का युद्ध और श्री रामचंद्र की सुग्रीव से भेंट। तो बड़ी मेहरबानी होगी और दोनों का एक दूसरे की मदद के साथ काम बनेगा। हनुमान की एक एक बात से सच्चाई, शराफत और इंसानियत की बू आ रही है। उसके बोलने का तरीका ऐसा बकायदा है कि सुनने वाला काम का उसका शायदा है। बेशक आदमी तो बड़े लायक है, वो हर एक हाल में पूरे फायद है, इसलिए ऐसे आदमी को गवाना नहीं चाहिए और इन्हें जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। यही महाराज सुग्रीव किष्किंधा के सरदार हैं, जो कि अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनसे परिचित करवाइए और इनका नाम और निवास स्थान बताइए। ये दोनों होनहार महाराजा आदिराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राजकुमार हैं। इनका नाम रामचंद्र जी उच्चारते हैं और इनको लक्ष्मण जी कहकर पुकारते हैं। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया और मेरा आज उद्धार हो गया। 13 साल इसी तरह घूमते घूमते हमने जंगलों में निकाल दिए और 14वां साल शुरू होते ही पंचवटी में डेरे डाल लिए। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया और मेरी गैर मौजूदगी में सीता जी को चुरा कर ले गया। आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब मैं पास आकर आपसे हाथ दिखाएगा तो मेरा तीर तीरे कजा बनकर उसके सीने में उतर जाएगा। अगर आप उसकी ताकत का अंदाजा बताएं तो मुमकिन है कि हम आपका ये शक भी मिटाएं। जब वह पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक ही तीर दो दो तीन तीन वृक्षों के पार निकल जाता है। अब देखो जिस कदर वृक्ष मेरे तीर की जद में आएंगे उसमें से एक दो नहीं बल्कि सारे के सारे भेदे जाएंगे। भगवान कमाल किया, एक ही तीर को सात सात वृक्षों में से निकाल दिया। भाई साहब जरा पहरा चाहिए, आज मैं रोज रोज कर झगड़ा ही मिटाऊंगा, या तो आपकी जान लूंगा या अपना सिर कटाऊंगा। का शायद तू भूल मेरे सामने आया अरे नमकूल ना शेखी जता। अभी बताता हूँ तुझे वीरता का पता। चला जा ना बकवास कर, मेरे मृतबे का कुछ तो पास कर। मार गया तू आज तेरा मृतबा, अभी दूंगा तेरी हड्डियां चबा। समाया है दिल में तेरे क्या बतूल, ना खो जान अपनी अरे ओ बेसूर। मैं तेरे मुचालन से तंग आ गया, तब मजबूर होकर मुचल जा गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम किया तो मेरे साथ बाली सुग्रीव का युद्ध। तो मेरे आगे आएगा नहीं
बंदा नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि आज तेरी खाल फिर खुजलाई। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी कथा तुझे बुला रही है? ठीक है ऐसा। शक्ल भी नहीं दिखाई, कुछ तरकीब निकालूं और इससे अपनी जान बचा लूं। अब शर्म नहीं आई, आखिर बात तक जान बचाई। आपने ये झूठा मुझे जमीन करवाया, अच्छी दुर्गत बनाई, हड्डी पसली तुड़वाई, अभी तक होश न आई। ये केवल तुम्हारे दिल का भ्रम है, वरना मित्र घात से बढ़कर दुनिया में और भी कोई अधर्म है? वास्तव में ये एक चीज की बड़ी खराबी है कि तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से काफी मिलती है। इसलिए मैं बावजूद कोशिश करने के भी तुम्हारी पहचान न कर सका और अपना अच्छी तरह से इत्मीनान न कर सका। हुआ क्या? आप तो बहुत गमा रहे हो और बड़ी तैश में आ रहे हो। हाँ साहब, उसे ही कह देना है, कुछ करना थोड़ी है। आपके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। आप बिल्कुल ना घबराइए, इस बार ये निशानी पहन कर जाइए। देखना अभी लापरवाही से काम लिया, वह मुझे जान से मार देगा और सारे नशे उतार देगा। नहीं नहीं, वह मैदान में आते ही अपनी जान गवाएगा और अधिक देर जीवित ना रह पाएगा। वाह वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई और पिछला बन पड़ा तब हमें किसके जान बचाई। जरा पहरा जाओ भाई। अरे सताई, मालूम होता है कि आज करीब खोपड़ी फिर खुजवाई। कहता तो यही है कि तुम चुप भी रहो, कि हस्त की आग ने तुझको मजबूर कर रखा है और प्यारी रोमा के सोतिया डाने तेरा सीना चकना चूर कर दिया है। अंगद ने मुझे बतलाया अयोध्या के दोनों राजकुमारों को उसने अपना मित्र बनाया है। ज्यादा बकवास ना कर और मेरे आगे से हट जा, ना मैं उसे डरता हूँ ना मैं उसके किसी हिमायती की परवाह करता हूँ। उसकी मुझसे ताकत करने की क्या मजाल है? जो आज तक दूर कहा इन्हीं बातों से पाया जाता है वह किसी के हौसले पर कूद रहा। घर में ही बातें बनाओगे?
या पहर किया होगे चल चल तू सुनती नहीं कि वो मुझे किस तरह ललका रहा है। प्राणनाथ ये सुग्रीव नहीं बल्कि उसे कोई और बुला रहा है। श्री रामचंद्र के कहने पर एक बार फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारना। अब तुम्हारा मुंह दिखाते शर्म ना आई। मेरा हक मुझे दे दो, मेरा हक मुझे दे दो। बात कही आई ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई सिवाय वाला कदी के तेरा कोई हक नहीं। फिर तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। ना जिंदा जाएगा आकर मेरी तलवार के नीचे। तू खुद चल कर आया मेरी छुरी की धार के नीचे। तू किस शेर बब्बर के सामने और बेअकल आया। लिया किस रेत का पर बाइक दिन छल के बनाया। तू आया किस भरोसे नीचा मुझे दिखाने को। जरा ही बात काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझदार अब तेरे सर पे मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी यह तेरी तकदीर उल्टी है। भूत लातों के नहीं बातों से माना करते या कंडे के नहीं नरमी को जाना करते। और दुनिया तो बेगानों को बुलाती है अपना तुझ जैसे कंपर जो अपनों को बेगाना करते हैं। अरे ओ पप्पी कितने जवान जी अभी करता हूँ तेरी क्योंकि हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं। एक रावण
आखिर तू कब तक अपना हट निभाएगी? जब तक ये आत्मा शरीर से निकल न जाएगी। जिनकी ओर तेरा ध्यान है, जिनकी ओर तेरा ध्यान है, फरिश्ते भी यहाँ उनके तो फरिश्ते भी यहाँ पहुँच नहीं सकते। अगर जहाँ नहीं पहुँच सकते तो स्वर्ग का मार्ग भी आप मेरे लिए बंद नहीं कर सकते। दुआ हूँ मोहित तुम्हारा मन से, खुदी को अपनी बुला बुला कर जरा दया करो संग दिल न मार किसी के जी को जला जला कर। खड़ी सिरहानी अजल से कहती है शाना तेरा हिला हिला कर। खड़ी सिरहानी अजल है कहती है शाना तेरा हिला हिला कर। ना पाएगा सुख कभी तू किसी के जी को जला जला कर। समझी कि कौन हूँ मैं? नहीं तू समझी कि कौन हूँ मैं? रावण का अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता को समझाना बुझाना और मनाना। अरे ओ पापी ना ऐ जितना किसी को इतना जला जला कर खूब तेरे जेबा निकाल देगा, जरक जरक पर चढ़ा चढ़ा कर। सीता तू फूल है मगर तुझ में फू नहीं। रावण तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खू नहीं। तेरे दिल में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। पत्थर का टुकड़ा अच्छा है, मालूम होता है
मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है, जो ऐसे कैंची की तरह जुबान चला रही है। अरे निर्लज्ज, तेरी ये थरथराती हुई जीवा स्पष्ट बतला रही है कि तेरे बिटर से तेरे लिए सदाएं मलामत आ रही है। किया इजहार मैंने आज तक जिससे मोहब्बत का, कहां मेरी ऐसी किस्मत है सरकार होवेगी। पति व्रता नहीं जो आगे होंगी जान में तेरे, कोई ऐसी गे गुजरी बदकार होवेगी। इसी में बेहतरी है कि मान ले अब भी मेरा कहना, नहीं तो शीघ्र रुस्वा सरे बाजार होएगी। कोई लज्जा वाला होता तो इतनी लालच फटकार सुनकर नाक डुबो कर मर जाता। ओ पापी मूल, आखिर तू बहु बेटियों वाला है, गिरा पढ़ाई उठा डाला है, जब फिर किसी ने गिरा पढ़ाई उठा डाला है। काल की अभिलाषी, जरा अपनी जुबान को संभाल। देख, अब मैं तेरा काम तमाम करता हूँ और सदा के लिए गुमनाम करता हूँ। छोटा सा सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है। ओ कपटात्मा दूत, मैंने तुझे जान लिया, और अच्छी तरह पहचान लिया। अरे दुष्ट, उस समय गलती खा गई, मैं उस दिन गलती खा गई थी और उसके धोखे में आ गई, और तेरे धोखे में आ गई थी। किंतु अब तू लाख बातें बना, हजार देश बदल गया। मैं मिट्टी को सुनकर बता दूंगी कि ये बेईमान रावण की चिता है। परंतु आपके विश्वास के लिए श्री रामचंद्र जी की मेरे पास खास निशानी है, लीजिए इनकी पहचान कीजिए। मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे रूठी। तुझको मेरी अवस्था पर कुछ देर न आई, और इतने काल के पश्चात आज मुझे अपनी शक्ल दिखाई। आपको पहचान में बहुत गलती हो गई, और मेरे मुख से ऐसे ऐसे शब्द निकल गए
बहुत अच्छा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मगर मुझको भूख ने बहुत सताया है, किंतु मैंने कई दिनों से कोई फल नहीं खाया है। यदि आज्ञा हो तो कुछ इस बाग के फल तोड़कर खा लूं और अपनी भूख को बुझा लूं। मेरी ओर से तुम्हें सब प्रकार का अधिकार है, बट इस बार का ख्याल रखना, यहाँ एक राक्षस बड़ा खूंखार है, इनकी तो मुझे परवाह नहीं, आपकी आज्ञा का इंतजार है, मुझे आज्ञा दीजिए। इस बाग में तो कोई बिंदा भी पर नहीं मारता है। क्यों मेंढक की बौंची करा रहा है और बिगाड़ सिर पर चढ़ा जा रहा है? बलो भयो, एक तो फल तोड़ तोड़ के खावत हो और हमसे पूछते है, उल्टा हमको ही दिमागते हो। जाओ जाओ, मेरे कान न हो। हो गए हो छापा के छापा हो, ये पब्लिक रेडी है? ये फल क्यों खावते हो? जाओ जाओ, अपना काम करो, सानू काम कोई नहीं। ये फल क्यों खावते हो? ये दरिया क्यों खावे? दरिया जलेबी क्यों खावे तो? अच्छा है, तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा ही चलिए के और अपने प्राणों को बचाओ। वो क्या बोलो, आप बोलो क्या क्या बोलते हो? हमारा बाल क्यों जाते हो? ये मेरा नाम है सातम। अब क्या हो गया? सूखा हो गया? दबा हो जाओ। क्या बटपाए 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 चल तू बजा चल तू बजा सब पे हेलो बट बाय लंबड़ों का बाग है बट बाय हमारे राक्षसों को क्यों मारते हो? ये खावत हो? अरे गंदा हम नहीं खाते। ये गंदा खाते हो? बहुत हंसता है, इसको खिला आप खाओ तो। उसने हमारा बाग झाड़ दिया, सारा बाग।
हम अभी अपने राजा अक्षय कुमार को बुलाते हैं। करने चलते फूल होते हैं। महाराज अक्षय कुमार की जय। महाराज अक्षय कुमार की जय। खबरदार आगे वो तुमने हमारा फोन क्यों उठाया? अब पागल है, पागल है। ये लंबड़ों का बाग है। हाँ, कहीं कुछ और कर रही हूँ। थैंक यू। हेलो, ओ यार अपना है। मैं अपनी शुदा मिटाने के लिए फल खा लिए तो क्या हो गया? क्या हो गया? तो आपने खाए तो खाए, बाहर क्यों फेंके? अच्छा पढ़ गया, क्या हो गया? हनुमान द्वारा अशोक वाटिका को उजाड़ना और राक्षसों द्वारा रोके जाने पर राक्षसों को मारना। मुझे भी तुम्हारा ही इंतजार था। अब जरा दो दो हाथ दिखाने का मजा आएगा। जा तो सीधी तरह मेरे साथ चल, अन्यथा ये समझ ले कि मेरा नाम भी अक्षय कुमार है। यदि तू मुझे गिरफ्तार ना करे तो तेरे जीवन पर भी धिक्कार है। चलता है जब बता दूं। यदि तेरे जैसे छोकरे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो मुझे हनुमान कौन कहेगा? थैंक यू। क्या तू जहाँ से जाने की यशा रखता है? यदि जाना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है? जरा कदम तो उठा, जा मुंह से ही बकता है। जरा आगे हो, चिनार औरतों की तरह वही खड़ा क्यों मटकता है? जरा मुंह से ही बकता है, जरा सामने आ और मुकाबले भरा। अभी तुझे मजा चखाता हूँ और इस हिमाकत की सजा देता हूँ। लड़ा
जब वैश्यता जी को खोजते हुए ऋषि मूक पर्वत पर आए तो दोनों ने मित्रता की प्रतिज्ञा करके आपस में हाथ मिलाया। जिस बाली ने आपको बीसियों बार कैद किया उसको रामचंद्र जी के एक ही बाण ने दुनिया से नापेद किया। अब आप उनके बल का अनुमान लगा लें और जिस प्रकार हो सके इस आने वाली बर्बादी से अपने आप को बचा लें। अरे मूड जरा जुबान को संभाल और सोच समझ कर बात मुंह से निकाल। तू यहाँ पर कैद है, क्या तुझे वापस जाने की उम्मीद है? सीता की आशा तो दरकिनार, वो तेरे से भी हाथ हो चुके। जिनकी महिमा के तू गीत गा रहा है, हर बार बार डेढ़ फुट मुंह चौड़ा कर रहा है, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहले तो वनवासी राम और लक्ष्मण, पहले वो वनवासी राम और लक्ष्मण, दूसरा कौन मिला सुग्रीव? अकल का दुश्मन, अपनी स्त्री के लिए आज तक रोता रहा। नजदीक आ रहा है, कहेगी दुनिया वह देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। अरे नापाक श्री रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर, रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर, हर पल खूने जिगर पिया, हर बहुत तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी और तुझे हमेशा के लिए सुख की नींद सुनाएगी। भाई साहब जरा तहमल कीजिए, ये राजनीति के खिलाफ है। बड़ा दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है? ये तुम्हारा ख्याल झूठ है। कौन कहता है कि ये दूध है? ये अपने स्वामी का संदेशा लाया है, इसमें दूध होने में क्या शक है? किंतु इसे ऐसी बकवास करने का क्या हक है? जो ये कह रहा है इसके मालिक की जवानी है। मुझे हैरानी है तूने बिना फीस वकालत की क्या ठानी है? ये राजनीति का असूल है। न जाने वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब ये बला नागानी मेरे गले पड़ी थी। सांप के मुंह में सुसंदर, खाए तो कोड़ी, उगले तो कलंक, अब उसे छोड़ूं तो निजामत, रखूं तो शामत। जब से उस मनुष्य को चुरा के लाया हूँ, ना नींद भर सोया मनु, ना पेट भर खाया। ऊपर दिखा पिताजी, जब तक मेघनाथ संसार में मौजूद है आपको किसी किस्म की चिंता करना बिल्कुल फजूल है।
मैं वही मेघनाथ हूँ जिसका हनुमान एक झटका भी ना सहार सका और मेरे सामने बिल्कुल बिना दम मार सका। खैर जो कुछ हो चुका उसका क्या जिक्र करना है, अब आगे की रोकथाम का फिक्र करना है। भाई साहब आपके समस्त समर्थक आपके समस्त सभासद आपसे डरते हैं और कुछ मदाना बातें करते हैं। अग्नि और शत्रु को तुच्छ समझना अकलमंदी से दूर है। जिस प्रकार हो सके इस बला को गले से टालें और सारे कुल को इस आने वाली बर्बादी से बचा लें। चच्चा साहब बहुत हो चुकी, अब चुप हो जाइए। अगर आपको रामचंद्र का इतना ही डर है, यदि आपको रामचंद्र का इतना ही डर है तो कहीं छुप जाइए। कुल पर चाहे कितनी भी तबाही मचे मगर ऐसी जगह छुपना जहाँ की जान बचे। जो तुम जैसे निर्लज और कायर ना हमारे कुल में पैदा होते और ना हम अपने भाग्य को रोते। बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म ना आए। बाड़ी थोड़ा जाओ जाओ जल्दी जाओ वरना मौत देख जाएगी और छुपने के लिए जगह ना पाएगी। ना समझ और गुस्ताख लड़के जवान चला रहा है। तू किस प्रकार जवान चला रहा है और पृथ्वी और काश को कलावे में ला रहा है। ब्लिस्ट बार का लड़का और गज गज की जवान जो मुंह से निकल गया वही प्रमाण। आज तू इतनी बहादुरी जता रहा है। शाबाश। कल तू कहां मर गया था जब अकेला हनुमान हजारों की किरकिरी कर गया। जिस बात को मैं ना कहना चाहता था बाड़ी के बोल आखिर आप कहला के ही छोड़े। बाड़ी के बोल चच्चा साहब इसमें भी आपकी कोई साजिश है। जो हनुमान इस प्रकार भाग गया ना आप उसकी मदद करते और ना ही पिताजी उस पर नजर इनायत करते। जब से हनुमान भाग गया आपका तो मानो भाग्य ही जाग गया। दिल की मुराद खुली और दिल की कली खिली। मेरा दावा है आपकी गुप्त रूप से कि आप गुप्त रूप से रामचंद्र से मिलती है और तुम्हारे जैसे कुलद्रोही पर किसी प्रकार का विश्वास करना सख्त गलती है। भाई साहब देखते हो ये कल का शोकरा मुझे किस प्रकार सशस्त कर रहा है। निस्संदेह जो ये कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। शोक की आप इसका पक्ष लेकर मेरा अपमान कर रहे हैं। अरे निर्लज यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूँ शत्रु का वफादार तो नहीं तेरी तरह गद्दार तो नहीं। निस्संदेह शत्रु के साथ तेरी गहरी साझदार है। हनुमान की वकालत करने के लिए आगे अड़ गया और मेघनाथ ने उसके विरुद्ध कोई सलाह दी तो जट बीच में अड़ गया।
विष्णु भ्राता जी जी आपकी भूल है। मेरे मन में ऐसा क्या रखना, बिल्कुल फजूल है। परंतु उसके दिल में क्या समाई, जो उन्होंने स्वरूप नगर की नाक उड़ाई। निसंदेह यही एक बात है। बेखाम खा उनके सर क्यों आई और अपने किए की सजा पाई। शर्म 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 भविष्य जरा कान खोल कर सुन। तेरी निस्बत चारों ओर किस तरह नाराजगी का इजहार है। मेरा प्रत्येक वीर मरने मारने को तैयार है। मेरा प्रत्येक वीर मरने मारने को तैयार है, तेरी ओर से इनकार है। लेकिन तेरी ओर से ही इनकार है। इससे स्पष्ट है कि तू कौमी गरदार है, अला दर्जे का मक्कार है। तेरी जिंदगी पर लानत और फटकार है। जैसे आप खुद खरामोश हैं, जैसे आप खुद खरामोश हैं, वैसे आपके ये दरबारी, वैसे आपके ये दरबारी कुशामती और चापलूस है। इस समय आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, किंतु आपको उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं। अमृत के धोखे में विष पिला रहे हैं। समय आने पर ये निकट्टू नयर बट्टू और खुजामती टट्टू अपने मुख से कहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफी है। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑप्टिमिस्ट रोहित के नाम से चैनल है, इसलिए इनकी बातों पर ना जाइए। लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। कौमी गद्दार जय श्री राम। तू अभी यहां से कफूर हो जा और मेरी आंखों से दूर हो जा।